के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुनिया भर में जयपुर के रंगीन रत्नों और ज्वेलरी की अपनी एक अलग चमक है। हर साल होने वाला जयपुर ज्वेलरी शो इस चमक को और ज्यादा बढ़ा देता है। इस बार भी 3 दिवसीय जयपुर ज्वेलरी शो JECC में शुरू हो गया है। इसकी थीम एमरल्ड टाइमलेस एलिगेंस रखी गई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। दुनिया भर में जयपुर के रत्नों और आभूषण की चमक है। इस चमक को बरकरार रखने के लिए 20 साल पहले जयपुर ज्वेलरी शो शुरू किया गया था। जयपुर ज्वेलरी शो की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां 2004 में सिर्फ 67 बूथ लगे थे, लेकिन अब शो के 20वें संस्करण में बूथों की संख्या 900 के पार पहुंच गई है। शो में देश भर के 400 से अधिक टॉप ज्वेलरी रिटेलर्स भी शामिल हो रहे हैं। शो की शुरुआत होने के साथ ही बड़ी संख्या में खरीदार भी पहुंच रहे हैं, जो जयपुर ज्वेलरी शो की सफलता की इबारत लिख रहे हैं। JJ 67 बूथ से शुरू हुआ था और अब 903 बूथ हो चुकी हैं और हमारे पास करीब करीब 150 बूथ की वेटिंग लिस्ट है। ये इस बात का प्रतीक है कि लोग जो आ रहे हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं और उनको व्यापार ठीक हो रहा है। जयपुर एक नेटवर्किंग का सेंटर है, पर हमारा शो जो है वो यूनिक है, यानी हम लोग B2B होने के साथ साथ B2C भी हैं, यानी ग्राहक को हम माल बेच सकते हैं, ग्राहक यहाँ माल खरीद सकता है। ये सुविधा बहुत रेयर शोज में होती है, हर शो में ये सुविधा नहीं होती है, क्योंकि अधिकांश शोज में आप ग्राहक के नाते माल देख तो सकते हैं पर खरीदारी ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते, पर JJS में आप कर सकते हैं। JECC में शुरू हुआ जयपुर ज्वेलरी शो अब तक का सबसे व्यापक, चमकदार और नायाब शो साबित होने जा रहा है। शो की एक विशेष खासियत ये भी है कि नवीनतम डिजाइनों और ज्वेलरी की नई सेटिंग्स पर ध्यान केंद्रित रखा गया है। इस शो में लोगों को पारंपरिक भारी सोने के गहनों से लेकर हल्के वजन के आभूषण भी नए फैशन में देखने को मिल रहे हैं। जो लोग फैशन एक्सेसरीज और स्टोन जड़ित ज्वेलरी की तलाश में हैं, उन्हें भी शो में पहुंचने के बाद मायूस नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि फैंसी कट रत्नों के साथ पारंपरिक और आधुनिक लुक वाले आभूषण भी यहाँ मौजूद है। और इस बार जो ऑल ओवर इंडिया जो हाइप क्रिएट हुई है जयपुर ज्वेलरी शो की, वो काफी बड़ी है। और मैं कई लोगों से ऐसा मिला हूँ, अभी तो शुरुआत ही हुई है, जो पहली बार शो में आए हैं और जो बड़े व्यापारी हैं, और मैं ये मानता हूँ कि ये 4 दिन में काफी उत्साह जो लोगों में दिख रहा है उसका बहुत अच्छे नतीजे आने वाले हैं। जयपुर ज्वेलरी शो की थीम एमरल्ड टाइमलेस एलिगेंस है, लेकिन इस बार शो में पिंक क्लब आकर्षण का केंद्र है, जो कि एक नई B2B पहल भी है। फिलहाल उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार ये शो अपने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।